यह है पोर्टरिक्स रब पैड 8.5 इंच री राइटेबल एलसीडी राइटिंग पैड। यह 8.5 इंच की री राइटेबल एलसीडी स्क्रीन है ऑर्ट्रोनिक्स की तरफ से। कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। 1 ईयर की वारंटी इसमें मिल जाती है। चलो इसे अनपैक करते हैं। कुछ इस तरीके से इसका बैक साइड का पोर्शन है, कुछ इस तरीके से हमें ये देखने को मिलता है। यहाँ पर लॉक और अनलॉक का बटन दिया गया हुआ है, लॉक एंड अनलॉक का बटन, ठीक है। यहाँ पर एक हमें जो है पेंसिल मिल जाती है। इस तरीके से हम इसको पुश करके पेंसिल बाहर निकालते हैं। जो पेंसिल है इस तरीके से यहाँ पर फिट हुई थी, जिसे हमने पीछे से पुश करके थोड़ा सा निकाला, ठीक है। तो ये राइटिंग पैड है। चलो इसमें कुछ हम आपको राइट करके दिखाते हैं। देखिए ये ठीक है। तो ये देखिए हम इसको डिलीट करते हैं तो ये जो हमने यहाँ पर जो इमेज बनाई थी वो हमारे डिलीट बटन को दबाते ही वो जो है गायब हो गई, ठीक है, क्योंकि यह एक रीराइटेबल राइटिंग पैड है और हम चाहते हैं कि जो हमने लिखा हुआ है वो डिलीट ना होए। तो हम यहाँ पर जो है लॉक बटन इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद भी ये देखिए ये इरेज नहीं हो रहा है, ठीक है। और हम इसको अनलॉक करते हैं और बटन को दबाते हैं, ये इरेज हो गया है। इसकी जो स्क्रीन है वो प्रेशर सेंसिटिव स्क्रीन पर वर्क करती है और ये ड्राइंग करने के लिए बच्चों के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और यह एक प्लास्टिक और ABS मटेरियल से बना हुआ रीराइटेबल राइटिंग पैड है। इससे पहले मैंने MI Xiaomi का रीराइटेबल राइटिंग पैड लिया हुआ था, तो यहाँ पर कॉइन सेल चेंज करने का ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। बैटरी ख़त्म होने के बाद जो है हम उसमें कॉइन सेल चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई ऑप्शन कॉइन सेल चेंज करने का दिखाई नहीं दे रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।